अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेसन नंबर फोर हम पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स कल हमने हार्डनेस तक पढ़ी थी आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपेरेंसी से पेज नंबर है थर्टी नाइन ट्रांसपेरेंसी दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स इज डिपेंडेंट ऑन वेदर दटीरियल एलोस लाइट टू पास थ्रू इट वेन एन ऑब्जेक्ट एलोस लाइट टू पास थ्रू इट यू कैन सी थ्रू इट इन मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है ठीक है इस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड होता है जब मटेरियल जो है वहां से लाइट पास होने देते हैं और जब ऑब्जेक्ट जो है लाइट पास होने देते हैं तो वहां से जो है हम देख सकते हैं दिस प्रॉपर्टी एलोस यू टू डिवाइड मटेरियल्स इनटू थ्री ग्रुप्स ट्रांसपेरेंट ओपेक एंड ट्रांस्यूलेंट ये प्रॉपर्टी जो है मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं तीन ग्रुप्स में एक है ट्रांसपेरेंट एंड थर्ड वन है आपका ट्रांस्यूलेंट फिगर फोर पॉइंट फोर में क्या है द क्लियर ग्लास ऑफ द विंडो इज ट्रांसपेरेंट द पार्ट कवर इट विद फ्रॉस्ट इज ट्रांस्यूलेंट वाइल पार्ट विच इज कवर्ड विद दर्टन इज अपैक जो विंडो का क्लियर ग्लास ठीक है यहां इस साइड आप साइड पे देख सकते हो वो साइड है आपका ट्रांसपेरेंट और जो कवर है फ्रॉस्ट से यानी थोड़ा सा फ्रीज हुआ है धुंधला सा हमें वहां से दिखाई देगा वो साइड आपका है वो पार्ट आपका है ट्रांस्यूलेंट पार्ट और वो पार्ट जो कवर है कटन से वो पार्ट है आपका देर आर सटन मिटेरियल्स विच एलो यू टू सी वट इज देयर ऑन दी अदर साइड सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कुछ मटेरियल्स होते हैं जो आपको अलो करता हैं उसके अदर साइड यानी दूसरे साइड क्या है उससे हम देख सकते हैं वैसे मटेरियल्स को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स फॉर एग्जांपल यू कैन सी थिंग्स ऑन द अदर साइड ऑफ अ ग्लास विंडो दस क्लियर ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर एग्जाम्पल आप जो है ग्लास विंडो के जो है दूसरे साइड आप देख सकते हो तो इसी तरह क्लियर ग्लास क्या है ट्रांसपेरेंट मटेरियल है द मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स दिस मटेरियल्स डू नॉट एलो लाइट टू पास थ्रू दैम लेट एस टू वन एक्टिविटी टू नो मोर अबाउट ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो मटेरियल्स जो जिससे जो है हम नहीं देख सकते दूसरे साइड उन मटेरियल्स को हम कहेंगे ओपेक मटेरियल्स और ये मटेरियल्स जो है लाइट को जो है एलो नहीं करता यानी वहां से जो है लाइट पास नहीं होता एक एक्टिविटी हम करेंगे जिससे हम जो है ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में और जानेंगे एक्टिविटी आपका क्या है ट्राई टू सी थिंग्स ऑन द अदर साइड थ्रू अ वुडन डोर यू विल नोटिस दैट यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू द डोर आपको जो है आपके घरों में या हमारे घरों में जो वुडन डोर है जो वुड का बनाया हुआ डोर है वहां से जो है दूसरे साइड देखना है आप क्या नोटिस करोगे आप ये नोटिस करोगे कि हम उससे जो है यानी वुडन डोर के थ्रू जो है हम दूसरे साइड नहीं देख सकते तो वो वुडन डोर क्या है ओपेक मटेरियल से ठीक है एक और एक्टिविटी है स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब इन योर रूम टेक अ शीट ऑफ बटर पेपर एंड होल्ड इट अगेंस्ट दाइट ऑफ दी बल्ब ट्राई टू लुक थ्रू इट यहाँ पे जो है आपको अपने रूम का जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको ऑन करना है फिर आपको एक बटर पेपर शीट लाना है उसको होल्ड करना है बलब के जरिए जैसे इसने किया है और आपको जो है उसके जरिए आपको देखना है अब क्या देखोगे यू विल नोटिस दैट you are able to see the blurb but not so clearly such materials that allow you to see through them partially are called translucent materials आप नोटिस करोगे अब जो है उस बटर पेपर के थ्रू जो है लाइट को तो देखोगे लेकिन क्लियरली आप नहीं देखोगे धुंधला सा आप देखोगे तो वैसे मटेरियल्स को जो है जो लाइट को जो है एलो करते हैं या तो वैसे मटेरियल्स जिससे हम जो है पार्शियली हम देख सकते हैं वैसे मटेरियल्स को हम कहेंगे ट्रांस्यूलेंट मटेरियल्स वैसे मटेरियल्स जिसके थ्रू हम पार्शियली देख सकते हैं वैसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे ट्रांस्यूलेंट मटेरियल्स। लेट इज डू एन एक्टिविटी दैट विल हेल्प क्लास फाइव थिंग्स एज ट्रांसपेरेंट ट्रांस्यूलेंट और ओपैक मेटेरियल ये एक्टिविटी जो है हमें करना है और इससे जो है यहाँ पे जो आपको दिया गया है कुछ चीजों के नाम दिए हैं उनको आपको क्लास फाइव करने है जैसे कि ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसपूलेंट है या ओपेक मटेरियल ये एक्टिविटी जो है आप लोगों को घर पे करने है ठीक है कल हम जो है सॉलिबिलिटी से आगे पढ़ेंगे थैंक यू खुदा हाफिज